नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम बात करेंगे कौन बनेगा सांसद में जहानाबाद की। जहानाबाद से 2019 में कौन बनेगा सांसद। पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के तले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के टिकट पर जीत हासिल करने वाले डॉक्टर अरुण कुमार इस बार अपनी पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण के तहत 19 मई को वोटिंग होनी है। नतीजे 23 मई को आएंगे। इस बार के चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत यह सीट जेडीयू के खाते में आई है। जेडीयू ने इस बार चंद्रेश्वर कुमार चंद्रवंशी को टिकट दिया है। वहीं आरजेडी की तरफ से सुरेंद्र यादव को खड़ा किया गया है। पूरी लड़ाई को तिनकोनीय बना रहे हैं डॉक्टर अरुण कुमार। वहीं तेज प्रताप यादव जहानाबाद में अपने उम्मीदवार चंद्र प्रकाश यादव को मैदान में उतारा है। वर्ष 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के बिगेश्वर मिश्रा यहां के सांसद बने। 1980 के चुनाव में महेंद्र प्रसाद कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। सीपीआई नेता रमाश्रय प्रसाद सिंह जहानाबाद से 4 बार चुनकर लोकसभा गए। रमाश्रय सिंह इस सीट पर लगातार 1984 से 1996 4 बार चुनाव जीते थे, लेकिन 1998 के चुनाव में इस सीट ने सियासी करवट ली और आरजेडी ने समता पार्टी के अरुण कुमार को हराकर इस सीट से अपना खाता खोला। तब से इस सीट पर कभी आरजेडी तो कभी जदयू को जीत हासिल होती रही। 1999 के चुनाव में अरुण कुमार जदयू के टिकट पर आरजेडी उम्मीदवार को हराने में कामयाब रहे। 2004 के चुनाव में आरजेडी के गणेश प्रसाद सिंह ने अरुण कुमार को मात दी, लेकिन 2009 के चुनाव में जदयू के यहां से जगदीश शर्मा को उतारा, जिन्होंने आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद यादव को मात दी। 2014 के मोदी लहर में डॉक्टर अरुण कुमार एनडीए की सहयोगी आरएलएसपी के टिकट पर यहां से दूसरी बार जीतने में कामयाब रहे। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र जहानाबाद और अरवल जिले के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया गया है। स्वामी सहजानंद महाविद्यालय यहां का प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के तहत विधानसभा की 6 सीटें आती है। अरवल, कुर्था, जहानाबाद, घोसी, अतरी और मखदूमपुर। इनमें से मखदूमपुर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ये सीटें जहानाबाद और अरवल जिलों में पड़ती है। 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में इस सीट से आरएलएसपी के डॉक्टर अरुण कुमार को जीत हासिल हुई। अरुण कुमार ने आरजेडी उम्मीदवार को 42,340 वोटों से हराया। आरएलएसपी उम्मीदवार डॉक्टर अरुण कुमार को 3,22,647 वोट मिले, जबकि आरजेडी के सुरेंद्र यादव को 2,80,360 वोट मिले। नोटा की बात करें तो 10,352 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया। कुल मतदान 57% हुआ था। इस संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 12,76,912 मतदाता हैं। इनमें से 6,80,766 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 5,96,146 महिला मतदाता शामिल है। वहीं 2019 में जहानाबाद से कौन बनेगा सांसद, ये आपका मत निर्णय करेगा कि आप किसे अपना वहां से सांसद चुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर कीजिए तथा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां लाइक कीजिए। धन्यवाद।